हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद दीपक पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में उसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं। आज हम लोग पूरे डिटेल में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में किस तरह से हम लोग उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, देखते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, उसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं पूरे डिटेल में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जो लोग टेंस का वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिए। देखिए, हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर देखिए हर चीज़ की एक लिस्ट बना हुआ, प्ले लिस्ट बना हुआ है, टेंस का, वॉइस का, बी ग्रुप का, हैव ग्रुप का, स्पेशल स्ट्रक्चर का, मोटिवेशनल वीडियोज का, हर तरह का एक कैटेगराइज क्या है और प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पर जाइए, टेंस का जो भी सीरीज है उसको देख लीजिए। ठीक है ना, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ठीक है, जाइए प्ले लिस्ट पर और आप लोग का जो प्ले लिस्ट में जो टेंस का सीरीज है उसमें सारा वीडियोज वॉच कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं अभी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देखते हैं कि उसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, उसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद आता है हम लोग का हेल्पिंग वर्ब वाज वर। ठीक है ना, पास्ट मतलब वाज वर। ठीक है ना, यस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म यानी V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? जो टेंस यानी जो भी टेंस है सब एक्टिव वॉइस है, उसका पैसिव वॉइस किस तरह से बना तो वही हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है यानी ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का है। क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एग्जांपल बनाएंगे। तो हम लोग का क्या होता है? सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग का क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा हम लोग का हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है? वाज वर, वाज वर। क्लियर, और V4 की जगह पर हम लोग यहाँ पर बिंग का यूज करेंगे, बिंग, और बिंग के बाद आएगा V3 और V3 के बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो क्या बन गया स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर हम लोग हिंदी सेंस देखें तो क्या हो जाएगा? ऐसा वैसा क्या जा रहा था, ऐसा वैसा क्या जा रहा था, कब क्या जा रहा था? पास्ट में। ठीक है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग का हिंदी आ जाएगा, ऐसा वैसा क्या जा रहा था, कब क्या जा रहा था? पास्ट में। क्लियर है? तो हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर देख लिए। चलिए अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव वॉइस में कुछ एग्जांपल लिखते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस का। ठीक है ना, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे कि राम वॉज वॉचिंग अ मूवी, वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, तो ये हम लोग का सेंटेंस है, राम वाज वॉचिंग अ मूवी, यानी क्या है कि राम मूवी देख रहा था। क्या कर रहा था? राम मूवी देख रहा था। अब हम लोग इसका पीवी बनाएंगे यानी पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है ना, ग्रुपिंग करने आता है आप लोग को, जो जिसके बारे में बात करते हैं उसको कहते हैं सब्जेक्ट, बाकी जो लास्ट में आता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसका जो है ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है और ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है और ये हम लोग का मेन वर्ब है। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब सिर्फ V4 और V3 के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ठीक है, यानी राम वाज वॉचिंग अ मूवी, ये हम लोग का सब्जेक्ट है, ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प कर रहा है और ये है मेन वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। क्लियर है? गुड। अब हम लोग देखेंगे इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव। ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्ट हम लोग का क्या है? अ मूवी। तो अ मूवी क्या हो जाएगा? हम लोग का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब हम लोग उसका पीवी बनाएंगे तो अ मूवी हम लोग का इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अ मूवी, ऐसे हो जाएगा अ मूवी। अब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आएगा तो सिंगुलर वर्ब और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है? तो अ मूवी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट का बात हो रहा है, तो अ मूवी वाज हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया। तो उसके बाद हम लोग को क्या आएगा? बिंग, बिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिंग। तो क्या हो जाएगा? अ मूवी वाज बिंग। अब वॉचिंग है तो वॉचिंग V4 है, तो वॉच एक्चुअली इसका मेन वर्ब होता है वॉच, ये हम लोग का वॉच, वॉच का मतलब होता है देखना, तो वॉच का V3 होता है वॉच्ड,
वॉच, तो ये वाला हमेशा वॉइस में V3 रहे, क्लियर है? तो अब मूवी वॉज बींग वॉच्ड हो जाएगा, वॉच्ड। अब किसके द्वारा, किसके द्वारा है? राम के द्वारा। अब हम लोग यहाँ पर बाय लगाएंगे, बाय राम। तो हम लोग का इसका पीवी क्या बन गया? राम वॉज वॉचिंग अ मूवी, उसका पैसिव वॉइस बन गया, अ मूवी वॉज बींग वॉच्ड बाय राम, यानी राम के द्वारा मूवी देखा जा रहा था, क्लियर है? चलिए कुछ और हम लोग अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ तक क्लियर क्लियर हो गया? चलिए इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? यस, टेक अ टाइम। अभी हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में, ठीक है ना? देखिए कोई भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस जुड़े रहे हमारे साथ और अपना इंग्लिश जो है घर बैठे इंप्रूव कीजिए, ठीक है? तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसका जो है और कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं जिस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है? अच्छे अच्छे एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं, ठीक है? बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं, लेते हैं। द चिल्ड्रन वर प्लकिंग द फ्लावर्स, ठीक है? यस, ये हम लोग का क्या है? एक्टिव वॉइस है। द चिल्ड्रन वर प्लकिंग द फ्लावर्स। दूसरा लेते हैं, माई मदर वॉज वॉशिंग द प्लेट्स, क्लियर है? ये दोनों सेंटेंस कह रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि एक का चार कैसे बनाते हैं, क्लियर है? ये दोनों सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, किस में है? एक्टिव वॉइस, क्लियर है? चेक है। तो हम लोग का पहला सेंटेंस क्या है? द चिल्ड्रन वर प्लकिंग द फ्लावर्स, यानी बच्चे फूल तोड़ रहे थे। अब इसका हम लोग वीवी बनाएंगे, तो द फ्लावर्स हम लोग का ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द फ्लावर्स वर बिंग प्लक का भीतरी होता है प्लक्ड, क्या होता है? प्लक्ड। तो क्या बन गया? द फ्लावर्स वर बिंग प्लक्ड बाय द चिल्ड्रन। तो ये हम लोग का पीवी रेडी हो गया। तो क्या बन गया पीवी? द फ्लावर्स वर बिंग प्लक्ड बाय द चिल्ड्रन, ये हो गया हम लोग का पैसिव वॉइस, किसका? इसका जो बनाए। अब इसका पीवी क्या बनेगा? माय मदर वॉज वॉशिंग द प्लेट्स, तो द प्लेट्स ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग का सब्जेक्ट बन जाएगा द प्लेट्स। आप देखिए यहाँ पर प्लूरल आया, तो यहाँ भी प्लूरल वर्ब, यानी द प्लेट्स वर बिंग वॉश्ड, वॉश का भीतरी होता है वॉश्ड, बाय माई मदर। तो ये हम लोग का उसका पीवी बन गया, ठीक है? क्या बन गया? द प्लेट्स वर बिंग वॉश्ड बाय माई मदर, क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक का चार किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही आसान है, देखिए किस तरह से बनाएंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? एक का चार यानी एक सेंटेंस का चार किस तरह से बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन, और इसको WH वर्ड में भी बना सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए पहले हम लोग चार को देखते हैं, ठीक है? यस, जैसे कि एक सेंटेंस लेता हूँ मैं, राहुल वाज टीचिंग इंग्लिश, यानी राहुल अंग्रेजी पढ़ा रहा था, राहुल वाज टीचिंग इंग्लिश, ये हम लोग का एक्टिव वॉइस में, किस में है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी टेंस, कौन से टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग एक्टिव वॉइस का बात करें। तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। अब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, चारों बनाएंगे, तो ग्रुपिंग करने आता है हम लोग का इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग का जब हम लोग पीवी बनाएंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंग्लिश। आप बताइए इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? तो इंग्लिश अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश के साथ हम लोग का वर्ब क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगा, तो इंग्लिश वाज और टीच का भीतरी होता है, यानी इसके बाद बिंग आ जाएगा, ठीक है? बिंग, क्योंकि कंटिन्यूस का बात हो रहा, जब भी हम लोग कंटिन्यूस का बात करेंगे तो बिंग का यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में। तो इंग्लिश वाज बिंग टीच का भीतरी टॉट, तो इंग्लिश वाज बिंग टॉट बाय राहुल, यानी राहुल के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा था। अब हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे, ये हो गया पॉजिटिव। जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा इंग्लिश वॉज नॉट भी कर सकते हैं और वॉजन भी कर सकते हैं, इंग्लिश वॉज नॉट बिंग टॉट बाय राहुल, ठीक है? ये हम लोग का नेगेटिव हो गया। जब हम लोग सवाल बनाएंगे यानी क्वेश्चन बनाएंगे तो वॉज बाहर आ जाएगा, तो वॉज इंग्लिश वॉज इंग्लिश
being taught by राहुल. क्या राहुल के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा था? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल. क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, यानी क्वेश्चन नेगेटिव बनाएंगे तो वाजेंट करेंगे, वाज नॉट नहीं होता कभी भी, क्योंकि सिंगल वर्ड बाहर आएगा. तो वाजेंट इंग्लिश, वाजेंट इंग्लिश बिंग बिंग टॉट टॉट बाय राहुल. ठीक, यस. यानी हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चारों से गए, पॉजिटिव कैसे बनाते, नेगेटिव कैसे बनाते, क्वेश्चन कैसे बनाते और क्वेश्चन नेगेटिव कैसे बनाते. पहला हम लोग को एक्टिव वॉइस में क्या था, राहुल वाज टीचिंग इंग्लिश, यानी राहुल अंग्रेजी पढ़ा रहा था. उसका जब हम लोग पीवी बनाएंगे पॉजिटिव, यानी बनाए तो क्या हो गया, इंग्लिश वाज बींग टॉट बाय राहुल. ये हम लोग का पॉजिटिव है. नेगेटिव क्या है, इंग्लिश वाज नॉट बींग टॉट बाय राहुल. ये भी राइट है. और हम लोग वाजेंट भी कर सकते हैं, इंग्लिश वाजेंट बींग टॉट बाय राहुल. क्लियर है. जब हम लोग सवाल बनाएंगे यानी क्वेश्चन बनाएंगे तो वाज बाहर आ जाएगा, वाज इंग्लिश बिंग टॉट बाय राहुल. उसके बाद हम लोग नेगेटिव सवाल यानी क्वेश्चन नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वाजेंट इंग्लिश बिंग टॉट बाय राहुल. क्लियर है. जैसे कि मेरी माँ खाना पका रही थी, माई मदर वाज कुकिंग फूड. तो जब हम लोग इसका पीवी बनाएंगे तो हो जाएगा फूड, यानी फूड वाज बींग कुक्ड बाय माई मदर. जब हम लोग उसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फूड वाजेंट बींग कुक्ड बाय मदर माई मदर. जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाज फूड बींग कुक्ड बाय माई मदर. जब हम लोग नेगेटिव सवाल बनाएंगे तो हो जाएगा वाजेंट फूड बींग कुक्ड बाय माई मदर. क्लियर है. आराम से बना सकते हैं एक का चार, पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन. क्लियर है. अब हम लोग देखते हैं कि यानी डायरेक्ट पैसिव. डायरेक्ट पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी ऑब्जेक्ट जो, यानी ऑब्जेक्ट होता है बट जो डूअर होता है उसका बात नहीं होता, यानी इसमें बाय का कारण नहीं होता. ठीक है, चलिए डायरेक्ट पैसिव को भी हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट पैसिव क्या है. तो डायरेक्ट पैसिव में हम लोग बाय का बात नहीं, यानी जो डूअर होता है उसका बात वहाँ पर नहीं होता. कैसे देख लेते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, पुल बन रहा था. ठीक है, सड़के मरम्मत किए जा रहे थे. ठीक है, उसके बाद तीसरा, घरों को सजाया जा रहा था. देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें किसी का भी डूअर यानी डूअर का बात हुई है, कौन कर रहा था नहीं पता हम लोग को. यहाँ पर पुल बन रहा था तो पुल तो अपने आप नहीं बनेगा, कोई ना कोई बनाएगा, मतलब कोई ना कोई बना रहा था, बट उसका हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे. तो इसको कहते हैं डायरेक्ट पैसिव. क्या कहते हैं, डायरेक्ट पैसिव. मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है यानी जो डूअर होता है उसका बात नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट पैसिव क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट पैसिव कहते हैं. क्लियर है. अब देखिए इसका इंग्लिश हम लोग किस तरह से बनाएंगे. तो हम लोग का पुल बन रहा था, आप लोग बोलेंगे ये एक्टिव वॉइस का, बिल्कुल एक्टिव वॉइस का नहीं है, ये हम लोग का पैसिव वॉइस का. क्लियर है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में अगर होता तो डूअर होता, यानी राम पुल बना रहा था, ऐसा ना होता. लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ पुल बन रहा था, तो पुल कोई ना कोई बना रहा था बट उसका बात नहीं कर रहे, तभी हम लोग वॉइस का यहाँ पर यूज करते, इसको कहते हैं डायरेक्ट पैसिव. तो पुल बन रहा था तो क्या हो जाए, पुल को क्या कहते हैं, द ब्रिज वाज बींग. यहाँ पर हम लोग मैट भी लगा सकते हैं, बोल्ट भी लगा सकते हैं, बोल्ट लगा देंगे, अक्सर हम लोग बोल्ट लगाते हैं मतलब निर्माण के लिए. तो हम लोग का सेंटेंस क्या बन गया, पैसिव वॉइस यानी डायरेक्ट पैसिव, द ब्रिज वाज बींग बोल्ड. क्लियर है. दूसरा हम लोग का क्या है, सड़कें मरम्मत किए जा रहे थे, तो सड़कें मरम्मत किए जा रहे थे तो क्या हो जाएगा, द रोड्स वर बींग रिपेयर्ड. क्लियर है. यह हो गया हम लोग का वॉइस यानी पैसिव वॉइस, डायरेक्ट पैसिव, द रोड्स वर बींग रिपेयर्ड. थर्ड क्या है, घरों को सजाया जा रहा था, अब कौन सजा रहा था नहीं पता, तो घरों को सजाया जा रहा था तो क्या हो जाएगा, द हाउसेस वर, ज़्यादा घर है तो वर हो जाएगा, वर बींग डेकोरेटेड. डेकोरेट मतलब होता है सजाना, डेकोरेटेड. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट पैसिव. क्लियर है.
क्लियर है। यानी हम लोग आज क्या देखे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं, उसका डायरेक्ट पैसिव किस तरह से बनाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही कॉन्फिडेंस आपका होगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफेक्ट। और एक बात देखिए, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा। जब भी हम लोग नया वीडियोज़ बनाएंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।